झारखंड की तरह एनडीए खेमा बिहार में भी आगे रहा है, सीटों की घोषणा कर दी गई है, फॉर्मूला सामने आ गया है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है लेकिन आरजेडी 7 सीटें ही देना चाह रही है और इसी पर पेंच फंसा हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि तस्वीर क्या कुछ उभर कर सामने आती है। अगर कहा यह जा रहा है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की सीट पर पेंच फंस गया है, कांग्रेस चाहती है उन्हें भी सीट देना, और आरजेडी 28 कांग्रेस 9 मांग रही है जिस पर जिच कायम है, माले 2 और भाकपा को 1 सीट देने की बात सामने आ रही है। तो सुपौल और पूर्णिया में से कोई एक सीट कांग्रेस अपने लिए मांग रही है, औरंगाबाद को लेकर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। नवादा और पूर्वी चंपारण पर राजद के आगे कांग्रेस की चल नहीं पा रही है, ऐसे में वाल्मीकि नगर से मोह त्याग करने की बात कही जा रही है और पटना साहिब कांग्रेस को पसंद नहीं है। कांग्रेस वहीं कटिहार भी कांग्रेस चाह रही है क्योंकि तारिक अनवर वहां से एक बार फिर किस्मत आजमाना चाहते हैं, और इन सांसद मोहम्मद जावेद की किशनगंज सीट पक्की है। सुपौल और पूर्णिया में भी कोई एक सीट मिल सकती है। वहीं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर जिच कायम है अभी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, अगर देखा जाए तो इंडी महागठबंधन के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एनडीए तो यहाँ भी पहले घोषणा कर गई और अभी तक मामला अटका हुआ है कांग्रेस और आरजेडी का, क्या कुछ अपडेट है? देखिए उदय, लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर जब एनडीए की घोषणा नहीं हुई थी तब उस समय से ही आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं का ये कहना था कि जब एनडीए कर लेगी उसके बाद हम लोग भी कर लेंगे, और आखिरकार एनडीए की तो सीट शेयरिंग हो गई। 16 सीटें जो हैं जेडीयू को मिली है, 17 सीटें बीजेपी को, और 5 सीटें जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और 1 जो है हम पार्टी। लेकिन अभी भी महागठबंधन में जो है सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अब महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो CPIM हो, वाम दल के जो नेता हो, और कांग्रेस हो, आरजेडी क्योंकि सबसे बड़ा दल है बिहार में महागठबंधन में, तो इन तमाम दलों का जो एक बैठक हुई है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है इंडिया अलायंस का, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के जो है शीर्ष नेतृत्व कहलाए जाते हैं और पूरे देश में उन्होंने यात्रा निकाला है और देश को जोड़ने के लिए, लेकिन अभी भी जो इंडिया अलायंस का जो है वो सीटें कंफर्म नहीं हुई है कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए ने तो घोषणा कर दिया है और सब कुछ अब क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में इस वक्त पूरा बातें जो है क्लियर नहीं हुई है। फिर भी जिस तरीके से कल अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान था कि पिछली बार जो है हम लोग 10-11 सीट पर लड़े थे और इस बार 2 से 3 सीट उससे ज़्यादा हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उस समय और भी बहुत सारी पार्टियां हम लोग के साथ थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम पार्टी है ये सब हमसे अलग हो गए हैं। तो यानी कि कांग्रेस का अभी भी डिमांड है कि कम से कम 14-15 सीट मिले। हालांकि आरजेडी इस पर अब इस डिमांड को पूरा करती है कि नहीं ये तो देखना होगा, क्योंकि आरजेडी की जो सीट शेयरिंग की फार्मूला है और जो सोर्सेस हमारी बताती है ये साफ दर्शाती है कि आरजेडी जो है कांग्रेस को उतना सीट देने नहीं जा रही है जिस तरीके का डिमांड जो है कांग्रेस कर रही है। लेकिन सब कुछ क्लियर तभी होगा जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा महागठबंधन के नेताओं का इंडिया अलायंस की तरफ से। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया अलायंस की जो जितने भी पार्टियां हैं और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं जो एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और आगे भी इसका सिलसिला शायद एक बार और बैठक हो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो, क्योंकि अब एनडीए की सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से तो अब बिहार में सभी को ये पता चल गया है कि लोकसभा चुनाव के 40 सीटों पर एनडीए ने जो है ऐलान कर दिया है। सभी पार्टी अपने अपने चुनाव को लेकर कमर भी कस लिए हैं और सबको ये भी पता है कि चुनाव कैसे लड़ने, और आज
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस बात को लेकर जिक्र भी कर दिया, जिस तरीके से पशुपति पारस को अलग कर दिया गया, तो अब उस पर उन्होंने बयान दिया है कि अब वो पार्टी से, हमारे दल से या फिर हमारे अंग से वो अलग हो गए हैं, तो उन पर कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए, जो ऐसे भी राजद में जो पूर्व सांसद लवली आनंद, जो है जेडीयू में दामन उन्होंने थामा है, जेडीयू की सदस्यता ली है, और लवली आनंद ने भी आरजेडी पर बड़ा प्रहार किया है। लवली आनंद ने आज कहा है कि आरजेडी में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, एक खास विशेष जाति को गाली दिया जाता था, और यही सब वजह है कि आज वो जेडीयू में वापस आ गई हैं। तो हालांकि सभी कुछ देखते हुए ये जरूर स्पष्ट होता है कि अब कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में जो जितने भी चर्चा हो रही थी सीट श्रेणी को लेकर, अब वो क्लियर हो गया है। लेकिन महागठबंधन कितने जल्द अब वो फैसला लेती है, क्योंकि जब वो महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता था कि एनडीए जब कर लेगी तो हम लोग भी कर लेंगे, तो अब तो एनडीए कर ली है, और देखना है उदय कि अब महागठबंधन और इंडिया अलायंस कब सीट शेयरिंग को लेकर जो है अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। कहा जा रहा है कि कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया को लेकर मामला अटका हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही, क्योंकि तारिक अनवर के लिए कांग्रेस कटिहार चाह रही है, वहीं बेगूसराय कन्हैया कुमार के लिए और पूर्णिया पप्पू यादव के लिए चाह रही है, जिस पर आरजेडी तैयार नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव जिस जगह से उनको कहा जा रहा है, बेगूसराय की आपने चर्चा की, कटिहार की चर्चा की, बेगूसराय से कन्हैया कुमार, और यही सब वजह है कि आरजेडी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उम्मीदवार उनके हों, और यही वजह है जिस तरीके से कटिहार, बेगूसराय और एक और जो जगह है जो आपने जिक्र किया, इन तमाम जगहों को लेकर ही पेच कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे, और जब शीर्ष नेतृत्व जब अंतिम निर्णय लेंगे उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, और यही तीन जगहों को लेकर ज़्यादातर अभी ये कहा जा रहा है कि पेच कहीं ना कहीं फंसा गया है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जब इन तीन जगहों पर जब सब कुछ निर्णय हो जाएगा, जब नेतृत्व एक साथ बैठकर इस पर विचार कर लेंगे, विमर्श कर लेंगे, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी बहुत जल्द अब लग ही रहा है कि क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग का क्या फॉर्मूला वो तय होगा उदय उसके बाद। चलिए अविनाश, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है आरजेडी और कांग्रेस के सामने कि अब वो कब तक सीटों की घोषणा करते हैं। मुकेश सर,